जगह जगह देखिए छात्र किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज अहम फैसला सामने आया है। लेकिन लगातार जो सड़कों पर आक्रोश छात्रों का नजर आ रहा है उसी से जुड़ी तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही है और ये कलकत्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर देखिए किस तरह से छात्र यहाँ पर सड़क पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रीनीट की जो मांग की जा रही है एक तबके की ओर से, जो छात्रों की तरफ से इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कितना व्यावहारिक हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया अपने हिसाब से जो चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। और जो ग्रेस मार्क वाला इशू उठाया गया था, ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं वो मुद्दा सेटल हो चुका है। लेकिन मल्लिका, यहाँ जो याचिकाकर्ता है उनकी ये मांग है कि भाई एनटीए ने अपनी गलती स्वीकार की है और ये इकलौती गलती नहीं है और ऐसे में एग्जाम दोबारा से बहाल करना चाहिए ताकि जो परीक्षा को लेकर के जो शक व शुभा है वो खत्म हो सके। बिल्कुल, और क्या ये एकमात्र विकल्प हमारे पास रहता है, एक बड़ा सवाल ये भी है। और अलग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज पहली हियरिंग थी और एनटीए पिछले 7-8 दिन से बोल रहा था कि ग्रेस नंबर का जो फैसला है वो सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है और ऐसा है कि 2018 के जजमेंट के बेसिस पे है। और आज एनटीए के डायरेक्टर खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यानी मैटर सीरियस अब उनको समझ में आ रही है, पहले समझ लेते। और हमारे काउंसिल ने आर्ग्यूमेंट शुरू भी नहीं की थी कि उनके काउंसिल ने पहले ही बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिया है इससे हार्डबर्न हुआ है, बच्चों को परेशानी हुई है, तो हम इस फैसले को हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एनटीए ने खुद से तो बताया नहीं था कि ग्रेस दिया है, हमने 719-720 पकड़ा, उसके बाद भी उन्होंने 7-8 दिन तक सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी नोटिस के थ्रू तब भी नहीं माना गलत है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में वो पहले दिन पहुंचते ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने से पहले ही मान जाता है कि ये चीज गलत है। ऐसी कितनी चीजें एनटीए कर रहा होगा, ऐसी कितनी डिस्पेरेंसीज जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। नहीं, बड़ा सवाल यह है कि यहां पर अलग पांडे जी, आप लोगों ने ग्रेस मार्क का मुद्दा उठाया, उसको एनटीए ने वहां पर आप जो है इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने का दावा किया है? नहीं 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 नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं सुलझा है, 1% नहीं सुलझा है ये। आप आते ही कैसे, आपको आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, आप आते ही अग्री करते हो कि गलत है। और कितने बच्चों को ग्रेस दिया ये तो सवाल ही नहीं उठा, आपने कहा 1563 को ग्रेस दिया था, गलत है। ये तो एक तरीका था कि मामले को दबा दिया जाए, साफ कर दिया जाए मैटर को, कि 1563 वाली बात को तुरंत साफ कर देते हैं। पर आप ये नहीं बात कर रहे हो कि आपने खुद बताया ही नहीं था कि हमने कितने बच्चों को ग्रेस दिया, आपने ऐसी कितनी और चीजें की हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है, एमसी मिश्रा साहब, इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, इस पूरे एपिसोड को लेकर के। पेपर लीक का आरोप तो पहले ही लगा था और अब जाकर के ये कहा जा रहा है कि भाई आप ग्रेस मार्क ही नहीं और भी कई सारी समस्याएं हैं, और ऐसे में आप क्या कहा जाए कि अब जो है सरकार को क्या करना चाहिए इसको लेकर? मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि सारी प्रक्रिया एक संदेह के घेरे में आ गई है, चाहे वो ग्रेस मार्क्स की वजह से हो, चाहे वो 67 लोगों का 100% मार्क्स ऑब्टेन करने का हो, किसी एक सेंटर में ज्यादा लोगों का हो, सबसे अच्छा ये होगा कि दोबारा नीट कर लें। उससे 1-2 महीने काउंसलिंग अगर लेट भी हो जाएगी उसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का, कम से कम ये जो संदेह पैदा हुआ है ये संदेह चला जाएगा। और छात्र भी यही मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसको सरकार जितनी जल्दी हो समझ ले कि ये मुद्दे को ज़्यादा खींचे नहीं और इसमें दोबारा नीट एग्जाम कर लें। एनटीए बताए कि वो कितनी जल्दी कर सकती है, जुलाई के अंत में कर लें, जुलाई के मध्य में कर लें, अभी तो 1 महीना है जुलाई के मध्य। आप ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। हमारे साथ अलग पांडे जी भी हैं जो कि खुद याचिका करता है। अलग पांडे, आप सुप्रीम कोर्ट में थे, मौजूद थे वहां जिस वक्त ये सुनवाई हो रही थी, काउंसलिंग रद्द करने को लेकर के कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई अभी काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। क्या बोलूं सर, मजाक है, पूरा मजाक हो गया। अभी आप बोलते हैं कि हमने ग्रेस नंबर निकाला, आपने किसी को बताया नहीं ग्रेस नंबर दिया, पकड़ में आया तो आपने आर्ग्यूमेंट किए, आपने नोटिस पे नोटिस निकाले। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो पहले दिन आप घर से तैयारी करके आते हैं और आके बोलते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस हटा देते हैं। कितने बच्चे थे ग्रेस के मुझे पता ही नहीं, आपने खुद बोला था 1563, आपने बोला ग्रेस सही, और आप पहले ही दिन आके आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आते ही आप बोलते हैं इस मुद्दे को खत्म करते हैं। यहां उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि ठीक है आप लोगों की एक वैलिड पॉइंट था ये ग्रेस मार्क्स वाला, इसको उन्होंने एड्रेस कर लिया, उन्होंने बताया था ग्रेस नंबर दिए, पहले भी देते आए होंगे, इस बार पकड़ में आया है, और कितनी डिस्पेरेंसीज है, मजाक है पूरा, ये एजुकेशन सिस्टम पे सबकी हार हुई है। इतनी जल्दी ये बताइए कि एग्जाम हो चुका है, अचानक से पूरी व्यवस्था को जंक कर देना, क्या ये संभव है?
हम उस दिन भी बात कर रहे थे असंभव कि, नहीं तो, मैं मेरा सवाल यही है कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से पास किया है उनके मामला बच्चों के भविष्य से चंदन जुड़ा है और क्या मैंने कोई डिसीजन दिया ऐसा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि एक कमिटी बने और जांच हो अब इसके बाद एनटीए की कि वो इतने दिन तक एक चीज ग्रेस नंबर लेके आते हैं 1563 का नंबर भी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। अब तो वो मुद्दा दब गया, कितनों ग्रेस दिया था, अब तो वो बात पूरी अंदर दब गई ना, कितने बच्चों को ग्रेस था नहीं था, सही था गलत था, खत्म। हमने एक चीज बोली सब परेशान हुए। अलग जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, आप लोगों का तर्क क्या होगा, मांग क्या होगी, क्या रीनीट के अलावा कोई और विकल्प बचता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे ना अब क्या करना है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज आके पहले दिन बोलती है कि अभी तक जिस बात पे बहस हो रही थी सब बकवास थी, नंबर पे कोई जांच हम कराएंगे नहीं, कितना नंबर है क्या हुआ हम बताएंगे नहीं। हाँ पेपर लीक के केस के मुद्दे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे और भले ही काउंसलिंग हो जाए एडमिशन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स हैं जिससे वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। पर आज सबकी हार मुझे दिख रही है, मतलब मुझे अब किस चीज़ में मैं भरोसा करूँ, वो किस लास्ट में आके बोल देंगे प्रोसेस मेरा गलत था मैं इसको रद्द कर देता हूँ, तो इतने दिन से क्यों आर्ग्यू कर रहे थे आप, पहले दिन आके क्यों नहीं बोला? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग जो बतौर याचिकाकर्ता छात्रों के बिहाफ में आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द एक जांच कमेटी बने, सुपर फास्ट तरह से जांच हो, पेपर लीक की FIR है, हाईकोर्ट में मुद्दा है, पेपर लीक के में पूरी डिटेल FIR है, उसकी अब जांच होनी चाहिए, समय बीत रहा है, बच्चा सड़क पे है, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे इस तरह के हार्मफुल प्रोटेस्ट ना करें, और आज इस तरह का मजाक हुआ है पता नहीं। अब मांग तो यही है कि एक कमेटी बने, इसकी जल्दी से जांच हो और इस ग्रेस नंबर की इनकी पूरी डेटा की एक टेक्निकल ऑडिट हो, और ये चीज़ पॉसिबल है इस देश में, हमारे पास ऑडिटिंग एजेंसी है, निकल के आएगा और क्या क्या डिस्परेंसी है जो ये बताते नहीं है, हर साल करते रहते हैं जी। बिल्कुल, और आगे के लिए आपकी उम्मीद क्या है, कैसे आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए छात्र सालों साल मेहनत करते हैं। देखिए उम्मीद ये है कि इसी देश के अंदर, इसी सरकार के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर UPSC की परीक्षा होती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से होती है, पूरी इंटीग्रिटी से होती है, कभी पेपर लीक नहीं होता, कभी ग्रेस नंबर फेवरेटिज्म कुछ नहीं हुआ UPSC में। इसी देश के अंदर, इसी संस्था के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर IIT एडवांस का पेपर होता है, खूबसूरती से कराया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि यहाँ एक नीट का पेपर हो पाए? तो एजेंसी से एक बार सलाह मशवरा करें कि वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब तमाम मुद्दे जो आप लोगों के हैं 8 जुलाई को अगली सुनवाई में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये विंडो तो जरूर छोड़ा है, ये तो जरूर कहा है कि अगर हम परीक्षा को रद्द करेंगे तो भाई पीछे की जो भी प्रक्रिया है वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी।